हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। इसमें पाठ 4 हमारा ही परिवार में उल्लू। पाठ 4 में हमारा शीर्षक क्या है तो कि हमारे परिवार में उल्लू। प्रस्तुत कहानी में उल्लुओं के स्वभाव के बारे में बताया गया है। इस कहानी में हमें क्या बताया गया है तो इस कहानी में हमें उल्लू के बारे में बताया गया है, यानी कि जो उल्लू है उसका स्वभाव कैसा होता है और वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में हमें इस कहानी के द्वारा बताया गया है। यह भी बताया है कि उनमें भी प्रेम और ममता के भाव होते हैं। क्या बताया गया है कि जो उल्लू होते हैं उनमें भी प्रेम और ममता के भाव होते हैं। हमारे मन में पक्षियों के प्रति दया एवं संवेदना होनी चाहिए। क्या कहा गया है कि हमारे प्रति क्या होना चाहिए तो हमारे प्रति पक्षियों के लिए दया और उनके लिए संवेदना होनी चाहिए, यानी कि हमें उस पर क्या क्या करना चाहिए, उन पक्षियों पर दया करनी चाहिए और उनको प्यार से संभालना चाहिए, उन पर संवेदना भी दिखानी चाहिए। सर्दियों की एक सुबह मुझे और दादाजी को देहरादून वाले घर के बरामदे में सीढ़ियों पर एक छोटा सा चितकबरा उल्लू मिला। क्या हुआ, कौन सा दिन था तो सर्दियों की सुबह थी। क्या हुआ उसमें, उससे उसका जो लेखक है वो उनके दादाजी को देहरादून वाले घर के बरामदे में, यानी कि जो उनका देहरादून वाला घर था उनके बरामदे यानी कि उनके आंगन में जो सीढ़ियाँ थी उन पर उनको क्या मिलता है तो उनको एक छोटा सा चितकबरा उल्लू, यानी कि चितकबरा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा तो चितकबरा का अर्थ होगा यहाँ पर जिसके शरीर पर धब्बे हो। चितकबरा का अर्थ क्या होगा यहाँ पर कि जिसके शरीर पर धब्बे हो, तो क्या मिलता है कि सीढ़ियों पर उनको एक चितकबरा यानी कि जिसके शरीर पर धब्बे हो ऐसा उल्लू मिलता है। जब दादाजी ने उसे उठाया तो एक बार तो उसने अपनी चोंच किटकिटाई। क्या किया, जो उल्लू था उसको क्या करते हैं, उसको दादाजी उठाते हैं तो वो क्या करता है अपनी चोंच जो होती है उसे किटकिटाई यानी कि उसकी चोंच हिलाता है, लेकिन फिर पानी पीकर वह मेरे पलंग के नीचे आराम से सो गया। फिर वो क्या करता है, एक बार अपनी चोंच खोलता है, फिर पानी पीता है और अपना जो उस पर जो उनका पलंग था उसके नीचे आराम से सो जाता है। चितकबरे उल्लू आकार में बहुत छोटा होता है। क्या होता है, जो चितकबरा उल्लू होता है वो आकार में बहुत ही छोटा होता है। पूरी तरह वयस्क होने के बाद भी वे चिड़िया से बड़े नहीं होते। क्या होता है यहाँ, वयस्क का अर्थ क्या होगा तो जो जवान हो गया हो, जो बड़ा हो चुका हो उसे क्या हम कहेंगे, उसे हम वयस्क कहेंगे। पर क्या होता है, जो छोटा सा उल्लू होता है चितकबरा जो उल्लू होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाने के बाद भी वो चिड़ियों से बड़े यानी कि जो चिड़िया होती है हमारे उससे आकार से उसके आकार से भी छोटे होते हैं और बड़े उल्लुओं की तरह भयावह भी नहीं लगते। यहाँ का भयावह का अर्थ क्या होगा तो डरावना। तो क्या होता है, जो छोटा सा उल्लू होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाने के बाद भी बड़ा नहीं दिखता, वो छोटा सा ही दिखता है, पर बड़े उल्लू जैसा भयावह यानी कि बड़े उल्लू जैसा भयावह यानी कि डरावना नहीं लगता। मैंने एक बार अपने आम के पेड़ पर उनका एक छोड़ा देखा था। किसने देखा था, तो जो बच्चा है उसने अपने बागीचे में जो आम का पेड़ है उस पर उनका एक बड़े वाले उल्लू का एक छोड़ा देखा था। छोटे उल्लू आम तौर पर इंसानों से नहीं डरते। क्या होता है, जो छोटे वाले उल्लू होते हैं वो आमतौर पर इंसान से नहीं डरते, नहीं वे सिर्फ रात को बाहर निकलते। क्या होता है, उल्लू जो होते हैं खाली रात को बाहर निकलते, पर छोटे वाले उल्लू होते हैं वो सिर्फ रात को बाहर नहीं निकलते लेकिन आमतौर पर दिन में वे अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर क्या होता है, तो आमतौर पर जो उल्लू होते हैं वो अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि दूसरे पक्षी जो उसी सभी उल्लुओं को अपना दुश्मन समझते हैं। क्या होता है, जो दूसरे पक्षी होते हैं वो सभी उल्लू को अपना दुश्मन समझते हैं, कभी कभी उन पर आक्रमण भी कर देते हैं। यहाँ पर आक्रमण का अर्थ क्या होगा, तो आक्रमण का अर्थ होगा हमला। क्या करते हैं, जो दूसरे जो पक्षी होते हैं वो उल्लुओं को अपना दुश्मन समझते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, कभी कभी उन पर आक्रमण यानी कि हमला कर देते हैं। यहाँ पर आक्रमण का अर्थ होगा हमला, तो क्या करते हैं, कभी कभी उन पर हमला भी कर देते हैं।
हमारा छोटा उल्लू मेरे पलंग के नीचे बहुत खुश था। क्या था जो हमारा जो छोटा सा उल्लू था वो उनके पलंग के नीचे बहुत खुश था। अगले दिन हमें लगभग उसी स्थान पर दूसरा उल्लू का बच्चा मिला। क्या होता है जब दूसरा दिन होता है तो उसे क्या होता है, जो पहले वाला उल्लू का बच्चा था वो पलंग के नीचे रहता था, पर अगले दिन क्या होता है कि दूसरा उसी स्थान पर क्या होता है, दूसरा उल्लू का बच्चा भी उन्हें मिलता है। और तब हमें समझ में आया कि छत पर जिस जगह बारिश के पानी को निकालने वाली पाइप लगी हुई थी वहाँ पर एक अध कचरा घोंसला था। अध कचरा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तो अध कचरा का अर्थ होगा यहाँ पर टूटा फूटा। यहाँ पर क्या होगा, अध कचरा का अर्थ तो टूटा फूटा क्या होता है। तो अगले दिन उसे उसी स्थान पर उनके दूसरा उल्लू का बच्चा मिलता है। तब वो समझ में आया उन लोगों को कि बारिश के लिए निकाल के लिए जो उन्होंने पाइप लगाई थी छत के आगे, उस पर क्या था, वो अध कचरा सा घोंसला यानी कि टूटा फूटा घोंसला था जिसमें से उल्लू के बच्चे गिर रहे थे। उस जिसमें से क्या हो रहा था, तो जिसमें से उल्लू के बच्चे गिर, वहाँ पर जो टूटा फूटा घोंसला था वहाँ पर उल्लू ने अपने बच्चों को रखा था और बच्चे वहाँ से गिर रहे थे। हम दूसरे बच्चे को भी पहले के पास ले गए। क्या किया उन लोगों ने, जब दूसरा बच्चा भी वहाँ सीढ़ियों के पास उन्हें मिला तो वो क्या करते हैं, दूसरे वाले बच्चे को भी वो पहले वाले बच्चे के पास पलंग के नीचे ले जाते हैं और दोनों को खाना खिला दिया। क्या किया, वो बच्चों को अंदर लेकर जाकर क्या करते हैं, दोनों को खाना खिला दिया। जब मैं सोने गया तो वो दोनों बच्चे खिड़की के, क्या होता है जब वो सोने गया तो दोनों बच्चे क्या करते हैं खिड़की के पास, तो क्या होता है जब वे मैं सोने गया तो दोनों बच्चे खिड़की के किनारे मच्छर की छाली के जरा सा अंदर थे। क्या थे, दोनों बच्चे मच्छर की छाली के जरा से अंदर थे। देर रात तक रात उनकी माँ ने उन्हें वहाँ देख लिया। क्या होता है, तो देर रात जब होती है तब वो उल्लू की जो माँ होती है वो उन्हें वहाँ देख लेती है। वह काफ़ी देर तक बाहर से ही उन्हें पुचकारती रही। क्या किया उन्होंने, तो उसकी माँ क्या करती है, वो बाहर से ही दोनों को काफ़ी देर तक पुचकारती रहती है, उनसे बाहर से ही प्यार करती रहती है। और सुबह मैंने देखा कि वह वहाँ एक चूहा छोड़ गई है। क्या करती है जो उल्लू की माँ होती है, वो रात में काफ़ी देर तक बाद उन्हें वहाँ देख लेती है, फिर बाहर से काफ़ी देर तक उन्हें पुचकारती रहती है, बाहर से प्यार करती रहती है। और सुबह वो देखता है कि वहाँ एक चूहा वो छोड़ गई है जिसकी पूँछ जाली में फंसी हुई है। क्या हुआ था, जो चूहा था उसकी पूँछ जो मच्छर की जाली थी उसमें फंसी हुई थी। चाहिए उन्हें अपने बच्चों के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं था। क्या था कि जो उल्लू की माँ थी उन्हें, उसे क्या था कि उसे अपने बच्चों के लिए बच्चों के मामले में उस पर भरोसा नहीं था। दोनों बच्चे फलते फूलते रहे। क्या हुआ, वो दोनों बच्चे वहाँ पर बड़े होते रहे यानी कि वहाँ पर फलते फूलते रहे। और 10 दिनों के बाद दादाजी और मैं उन्हें बगीचे में आज़ाद करने को ले गए। क्या होता है, 10 दिन तक वो बच्चे वहाँ पर ही पलते रहे और 10 दिन के बाद वो क्या करते हैं, वो और दादाजी उन्हें बगीचे में आज़ाद करने के लिए ले जाते हैं। मैंने एक बच्चे को आम के पेड़ की डाली पर रखा। क्या किया उसने, तो उसने जो एक उल्लू का जो एक बच्चा था उसे आम की पेड़ की डाली पर रखता है और दूसरे को झुककर उठाने जा ही रहा था कि मेरे सिर पर पिछले हिस्से पर जोर का धक्का लगा। क्या होता है, तो वो एक बच्चे को जब आम की डाली पर रखता है और दूसरे को उठाने के लिए झुकता है तो पीछे से सिर पर उसके जोर से धक्का लगता है। 1 या 2 सेकंड बाद ही बच्चों की माँ दादाजी पर झपटी। क्या हो गया, 1-2 सेकंड में क्या हो, सेकंड के बाद क्या होता है, तो 1-2 सेकंड के बाद जो बच्चों की माँ जो उल्लू की माँ थी वो अपना माँ दादाजी के ऊपर झपटी, लेकिन बहुत ही फुर्तीले थे। पर कौन बहुत फुर्तीला था, तो दादाजी थे वो बहुत ही फुर्तीले थे। तो फुर्तीले का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तेज। दादाजी थे वो बहुत ही तेज थे इसलिए वह पहले ही वहाँ से हट गए। दादाजी क्या करते, जब उल्लू की माँ उन पर झपटी तो वहाँ पहले से ही वो वहाँ से हट गए। मैंने जल्दी से दूसरे उल्लू को आम के पेड़ के नीचे रख दिया। क्या किया उसने, तो वो जल्दी से दूसरे वाला जो उल्लू का बच्चा था उसे भी आम
के पेड़ के पास रख देता है। फिर सुरक्षित दूरी से हमने देखा कि क्या क्या वो फिर वो लोग क्या कहते हैं, वो सुरक्षित सुरक्षित का अर्थ यहाँ पर होगा अच्छी तरह रक्षित, यानी कि हाँ जब उन्हें सब अच्छी तरह से रक्षा करके उन्हें वहाँ पर रख दिया तो उन्हें मादा उल्लू अपने बच्चे को बगीचे के किनारे ऊंची लंबी घास में ले जा रही थी। क्या देखा उन्होंने कि वो वहाँ पर जब पूरी तरह से सुरक्षित रख दिया तो उन्होंने जो मादा उल्लू थी जो उनकी माँ थी वो बच्चे को बगीचे के किनारे ऊंची लंबी घासों में ले जा रही है। हमने सोचा कि वह अपने बच्चों को हमारे कुछ अजीब से परिवार से दूर ले जाएगी। क्या सोचा उन लोगों ने कि उन्होंने सोचा कि जो उल्लू की माँ है वो उसके बच्चों को उनके थोड़े अजीब से दिखने वाले परिवार से दूर ले जा रहेगी। लेकिन अगली सुबह मैंने दोनों छोटे उल्लुओं को बरामदे में रखे हेड स्टैंड पर अड्डा जमाए देखा। फिर क्या होता है, जो अगली सुबह होती है तो दोनों बच्चे वापस आ जाते हैं, दोनों उल्लू के छोटे दोनों बच्चे बरामदे में फिर आ जाते हैं। और बरामदे में जो हेड स्टैंड, यानी कि जो हेड स्टैंड का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, ये एक अंग्रेजी शब्द हेड स्टैंड, यानी कि जो टोपी आती है उसे रखने की जगह। तो वो वहाँ पर क्या होता है, जो वो बरामदे में रखा हुआ था टोपी रखने वाले की जगह थी, वहाँ पर अड्डा जमाए देखा, यानी कि वहाँ पर वो दोनों को बैठे हुए देखा। मैं दौड़कर दादाजी को यह खबर देने गया। क्या करता है वो, तो वो दौड़कर अपने दादाजी को ये खबर देने जाता है। और जब मैं उनको लेकर लौटा तो उनकी माँ को कुछ दूरी बने पक्षियों के नहाने के स्थान के पास बैठे देखा। क्या देखा उन लोगों ने, तो दादाजी को लेकर जब वो वापस लौटता है तो वहाँ पर कुछ ही दूर पर जो पक्षियों को नहाने के स्थान के पास उसकी जो उल्लू थे उसकी माँ को बैठे देखा। स्पष्ट रूप से वह अपने पिछले दिन के व्यवहार के लिए शर्मिंदा थी। क्या था स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या देखा, कि उसने जो पिछले दिन उन दोनों के साथ जो व्यवहार किया था उसकी वजह से वो शर्मिंदा थी, क्योंकि हमारा स्वागत उसने बहुत धीमी व्यू की आवाज़ से किया। क्या किया उसने, कि उसने वो जो उनका स्वागत थोड़ी धीमी आवाज़ से व्यूज़ की आवाज़ से किया। इस प्रकार वे छोटे उल्लू भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। क्या हुआ उससे, जो छोटे वाले दो उल्लू के बच्चे थे वो उनके परिवार का हिस्सा बन गए, उन गिने चुने पेट्स में शामिल हो गए। पेट्स यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम उसे हम कहते हैं पेट्स। तो क्या हो गए, तो जो गिने चुने पेट्स होते हैं उसमें शामिल हो गए। उन्हें दादी भी पसंद करती थी। उन्हें कौन पसंद करता था, तो उन्हें जो उसकी दादी थी वो भी पसंद करती थी। उन्हें हर तरह के सांपों का अधिकतर यानी कि अधिकतर का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, तो अधिकतर का अर्थ हो गया यहाँ ज़्यादातर, यानी कि क्या होता है कि दादी को क्या, उन्हें हर तरह के सांपों का, ये ज़्यादातर सांपों का, बंदरों उसमें ज़्यादा उन्हें क्या पसंद है, तो अधिकतर का अर्थ होगा यहाँ पर ज़्यादातर, तो ज़्यादातर उन्हें बंदरों का और कुछ कौओं का हमेशा विरोध किया है। क्या किया है दादी ने, तो वो कुछ सांपों को और ज़्यादा तो वो बंदरों का और कौओं का विरोध कर किया था। लेकिन उन्हें ये अक्सर उन्हें प्यार से स्पेटिंग खिलाती थी। क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने दोनों नन्हे उल्लू को पसंद भी किया, और क्या करती थी वो, दोनों उल्लू को पसंद भी करती थी, और वह अक्सर उन्हें क्या खिलाती थी, स्पेटिंग यानी कि जो पास्ता आता है हमारा उसके जैसा ही एक खाने वाली चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेटिंग। तो वो क्या करती थी, वो दोनों उल्लू के बच्चों को खिलाती थी। उन्हें दादी के दिए हुए छिछले बर्तन में बैठकर, छिछले बर्तन यानी के कैसा बर्तन होता है, तो छिछले का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, कम गहरा। कैसा होगा, छिछले का अर्थ होगा यहाँ पर कम गहरा। क्या करती थी दादी, उन्हें कभी जो वो छिछला बर्तन जो कम गहरा वाला बर्तन था उसमें बैठकर ये जो उल्लू के बच्चे थे उसे क्या पसंद था, तो उन्होंने जो उनको जो दादी ने दिया था कम गहराई वाला बर्तन उसमें छप छप करना बहुत अच्छा लगता था। क्या करना अच्छा लगता था, तो उन्हें छप छप करना अच्छा लगता था। उन्हें और भी मज़ा आता था जब उनके नहाते समय कोई उनके ऊपर जग से ठंडा पानी डालता था। उन्हें कैसे मज़ा आता था, तो जब नहाते थे तब उन पर कोई जग से ठंडा पानी डाले तो उन्हें बहुत पसंद था।
वे दोनों पूरी तरह गीले हो जाते। क्या होता है वो जब दोनों पूरी तरह गीले हो जाते फिर उछलकर बाहर आते। क्या कहते हैं जब वो दोनों ठीक से गीले हो जाते तो उछलकर बाहर आते। तौलिए के रेप पर चढ़कर अपनी शरीर को झटक के पानी झाड़ते। क्या कहते वो जो तौलिया रखा हुआ था उसके रेप पर चढ़ते और पानी को झटक कर शरीर को झटक कर बाहर आते। फिर दूसरी बार और कभी तीसरी बार भी पानी में कूद जाते। क्या करते वो पहले बाहर आते तौलिए पर फिर अपना पानी झटकते फिर वापस पानी में चले जाते। ऐसे एक बार दो बार तीन बार करते। दोपहर में वे हेड स्टैंड पर झपकी लेते। दोपहर में वो लोग क्या करते जो हेयर स्टैंड जो टोपी रखने की जगह होती थी वहाँ पर झपकी लेते। अंधेरा होने के बाद वे पूरे घर में आज़ादी से घूमते। क्या होता जब अंधेरा हो जाता तो वो आज़ादी से पूरे घर में घूमते रहते। और रात को उनका प्रिय काम था झिंगूर पकड़ना। क्या काम था उनको उनका प्रिय काम क्या था उन लोगों का तो जब रात हो जाती थी तो उनका प्रिय काम था झिंगूर पकड़ना। किचन में उन्हें काफ़ी शिकार मिल जाते थे। उन्हें कहाँ पर शिकार मिल जाते थे जो किचन था वहाँ पर उन्हें काफ़ी शिकार मिल जाते थे। जब मैं अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरे मन में मेरी दादी की आराम कुर्सी पर बैठी छवि उभरती है। क्या होता है जब वो ये जो लेखक है वो अपने बचपन को याद करते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या आता है तो उनकी दादी माँ की जो आराम कुर्सी पर होती है उन पर जो बैठकर वो आराम करती थी उसकी छवि ऊपर आती है। और वह उनकी एस्पेन पहनी गोद में एक नन्हे संतुष्ट उल्लू की भी। क्या होता है जो वो क्या आता है उनको क्या उभर आता है जो तो संतुष्ट यानी कि प्रसन्न संतुष्ट का अर्थ हो गया यहाँ पर। तो उनको क्या छवि उभर आती है कि जब वो आराम कर कुर्सी पर बैठती थी और जब उनके गुद पर वो छोटा सा संतुष्ट यानी कि प्रसन्न उल्लू की छवि उस पर उभर आती उनकी छवि याद आ जाती थी। एक बार जब उनकी दोपहर की झपकी के समय में उनके कमरे में गया था तो मैंने देखा। क्या देखा उन्होंने तो जब वो एक बार दोपहर की झपकी ले रही थी दादी माँ तो वो उसके समय उसी समय वो उनके कमरे में गए तो उन्होंने क्या देखा एक नन्हा उल्लू रेंगता हुआ उनकी तकिए के इतने पास आ गया था कि उनका सिर दादी के कान के नीचे आ गया था। क्या देखा जो एक नन्हा था उल्लू था वो रेंगता हुआ कहाँ वो आ गया था तो दादी के तकिए के इतने पास आ गया था कि उसका सिर दादी के कान के नीचे आ गया था। दादी और नन्हा उल्लू दोनों खर्राटे भर रहे थे। क्या कर रहे थे तो दादी माँ है और जो नन्हा उल्लू था वो एक साथ वो वहाँ पर सोए हुए थे और दोनों खर्राटे मार रहे थे दोनों खर्राटे ले रहे थे। इस कहानी में हमें क्या बताया गया है तो उल्लू कैसा होता है उनका स्वभाव कैसा होता है उन्हें क्या पसंद है और रात को ही वो क्यों बाहर निकलते उस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारी कहानी पूरी होती है। उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे शब्द के अर्थ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है तो यहाँ पर हमें पाठ में कुछ जो शब्द दिए गए हैं उसके जिसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो पहला शब्द है हमारा चितकबरा। तो चितकबरा का अर्थ क्या होगा कि जिसके शरीर पर धब्बे हो। तो चितकबरा का अर्थ होगा कि जिसके शरीर पर धब्बे हो। दूसरा शब्द है हमारा वयस्क। तो वयस्क का अर्थ क्या होगा तो वयस्क का अर्थ होगा जो जवान हो गया हो। वयस्क का अर्थ क्या होता है तो कि जो जवान हो गया हो। तीसरा है हमारा भयानक। तो भयानक का अर्थ होगा डरावना। भयानक का अर्थ क्या होगा तो भयानक का अर्थ होगा डरावना। चौथा है हमारा शब्द है आक्रमण। आक्रमण का अर्थ क्या होगा तो हमला करना। आक्रमण का अर्थ होगा हमला। अधकचरा। अधकचरा का अर्थ होगा टूटा फूटा। छिछला। छिछला का अर्थ होगा कम गहरा। छिछला अर्थ क्या होगा उसका अर्थ होगा कम गहरा। सुरक्षित। तो उसका अर्थ क्या होगा सुरक्षित का अर्थ होगा अच्छी तरह रक्षित। क्या होगा सुरक्षित का अर्थ तो अच्छी तरह रक्षित। अधिकतर यानी कि अधिकतर का अर्थ क्या होगा तो अधिकतर का अर्थ होगा ज़्यादातर। संतुष्ट। संतुष्ट का अर्थ होगा प्रसन्न तुष्ट। तो यहाँ पर हमें जो भी शब्द दिए गए हैं उसका क्या अर्थ होता है वो हमें यहाँ पर बताया गया है जो हमें पढ़ने और लिखने दोनों हैं। तो चितकबरा का अर्थ होगा जिसके शरीर पर धब्बे हो। वयस्क का अर्थ होगा जो जवान हो गया हो। भयानक का अर्थ होगा डरावना। आक्रमण का अर्थ होगा हमला।
अर्ध कचरा का अर्थ होगा टूटा फूटा, छिछला का होगा कम गहरा, सुरक्षित का अर्थ होगा अच्छी तरह रक्षित, अधिकतर का अर्थ होगा ज़्यादातर, और संतुष्ट का अर्थ होगा प्रसन्न और तुष्ट।